और बड़ा सपना देख लिया है ना, तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूंगा ना, ये करूंगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। दो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे जरूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना, अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं, देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आँखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो एक रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आँखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए जीवन में ना, अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा, आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया, उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है, और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीव रहती है, और मरने तक हमारे साथ जीव रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है, उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है, और दांत काफ़ी कड़ा होता है, और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, और जहाँ हार्ड होंगे आप, वहीं आपका पतन चालू हो जाएगा।